राहुल मुझे पहचाना? मैं पिछली बार भी तुम्हारे यहाँ पर आया था सब्जी लेने के लिए। पिछली बार तुमने लौकी की सब्जी लगाई थी तो मैं तुम्हारे ही खेत से सारी की सारी सब्जी खरीद कर शहर ले गया था, क्योंकि मैं शहर में बहुत बड़ा सब्जी का कारोबार करता हूँ। पिछली बार मैंने लौकी का कारोबार किया था, इस बार मैं बैंगन का कारोबार कर रहा हूँ। गाँव से बैंगन खरीद कर ले जाता हूँ और शहर में जाकर बेचता हूँ। और अभी मुझे पता चला कि तुमने और तुम्हारी मम्मी ने बैंगन की खेती की है, तो मैं तुरंत भागा तुम्हारे पास चला आया बैंगन खरीदने के लिए। अरे हाँ, आपका नाम मोदी जी है ना? पिछले साल आप मुझसे लौकी ले गए थे खरीद कर, लेकिन आपने लौकी मेरे खेत पर आकर बहुत सस्ते रेट में खरीदी थी। चलो कोई बात नहीं है, इस बार तुम्हारा बैंगन अच्छे रेट में खरीद लूंगा मैं। राहुल तुम अपना बैंगन क्या रेट बेचोगे? अरे मोदी जी, बैंगन खरीद कर क्या करोगे? ये देखो पूरे खेत में 4-5 बैंगन निकले, पूरी की पूरी बैंगन की फसल बेकार हो गई। इस राहुल ने टाइम पर सिंचाई की नहीं, सारे के सारे बैंगन के पेड़ बिना पानी के सूख गए। राहुल जैसे मुझे पता चला कि तुमने 5 बीघा में बैंगन लगाया हुआ है, मैं तुरंत शहर से भागा चला आया। अब यहाँ आकर ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी बता रही है ये जो 4-5 बैंगन तुम्हारी मम्मी के टोकरी में है यही निकले हैं पूरे खेत में। इन बैंगन का मैं क्या करूंगा? मैं तो ये समझ रहा था कि 3-4 क्विंटल बैंगन तुम्हारे इस खेत में निकले होंगे। अब शहर से यहाँ आना मेरा बिल्कुल बेकार हो गया। तो मोदी जी अपने हाथ की तो बात है नहीं, पूरे 5 बीघे की बैंगन की फसल बेकार हो गई। ये देखो मम्मी की टोकरी में जो 4-5 बैंगन है यही पैदावार हुई है पूरे 5 बीघा खेत में। चलो मोदी जी, तुम इतनी दूर बैंगन खरीदने के लिए आयो तो हमारे तो बैंगन की ज्यादा पैदावार नहीं हुई है खेत में। वो देखो मायावती जी पूरी टोकरी भरकर अपने खेत से बैंगन तोड़कर ला रही है, उन्हीं के बैंगन खरीद लो, उनके खेत में बैंगन की अच्छी पैदावार हुई है। बहन जी आप अपने बैंगन बेचोगी? अगर भाई साहब अच्छे रेट में खरीदोगे तो बेच भी दूंगी, क्योंकि मेरे खेत में तो बैंगन की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। तुम जो रेट अपने बैंगन का बोलोगी उस रेट में मैं आपके बैंगन खरीद लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बैंगन बहुत ही अच्छी है। तो क्या भाई साहब, अगर ये मायावती जी अपने बैंगन का दाम अगर 500 रुपए किलो मांग लेंगी तो तुम क्या 500 रुपए किलो खरीद लोगे इनके बैंगन को? अरे सोनिया जी के तो 4-5 बैंगन पैदा हो भी गए खेत में, मेरे तो खेत में एक भी बैंगन पैदा नहीं हुआ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ममता दीदी आज आपकी भैंस का दूध बिल्कुल पतला है, आज आपको रेट बहुत कम मिलेगा कह देती हूँ। तुम सब लोगों को मालूम ही है कि मैं और राहुल मिलकर गांव के सारे लोगों की भैंसों का दूध खरीदते हैं और दूध को इकट्ठा करके शहर में फैक्ट्री में भेजते हैं। लेकिन हमें अच्छा दूध चाहिए होता है, जो जैसा दूध देगा उसका वैसी रेट मिलेगा। आप पतला दूध लाएंगे ममता दीदी तो आपको कम ही रेट मिलेगा। लेकिन सोनिया जी मैं बहुत अच्छा दूध लाया हूँ, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल जरा सा भी पानी नहीं है मेरे दूध में। मेरे दूध को जल्दी से माप लो और पैसे दे दो मुझे तुरंत के तुरंत, मुझे खेतों पर भी काम करने के लिए जाना है। अरे मोदी जी ऐसे थोड़ी होता है, लाइन में लगो लाइन में। ये सारी की सारी महिलाएं जो खड़ी हुई है ये सुबह से खड़ी हुई है और आप अभी आयो आते ही कहने लगे कि मेरे दूध को माप लो, ऐसे थोड़ी काम होता है। ये देखो महिलाएं सुबह से लाइन में लगी हुई है, अभी ममता दीदी का दूध मापा जा रहा है, उसके बाद मायावती जी का नंबर है, फिर प्रियंका का नंबर है, फिर राबड़ी देवी जी का नंबर है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन राहुल ऐसे तो खड़े खड़े संजा हो जाएगी बिल्कुल, ये तो मेरा बहुत देर बाद नंबर आएगा। अरे मुझे खेतों पर काम करने के लिए जाना है, मेरे दूध का माप ले लो और मुझे पैसे दे दो। सोनिया जी मेरा ये 5 लीटर दूध हो गया, और हाँ कह देती हूँ आज ये थोड़ा पतला दूध है क्योंकि थोड़ा सा पानी मिला दिया था मैंने। मैं तुम्हें रोज भैंस का ताजा दूध लाकर देती हूँ, इसीलिए रेट अच्छा वाला लगाना कह देती हूँ। अरे ममता दीदी जब दूध में पानी मिलाकर लाओगी तो अच्छा रेट कैसे मिल जाएगा? फिर तो जो अच्छा दूध लेकर आते हैं ताजा भैंस का, वो भी दूध में पानी मिलाकर लाएंगे जैसे मैं भैंस का ताजा दूध लाया हूँ। दूध तो देखो मोदी जी, आधा लीटर दूध लेकर आते हो जरा से बर्तन में, हमारा देखो 4-4, 5-5 लीटर दूध लेकर आते हैं रोज। क्या करूं मायावती जी, भैंस ने दूध देना कम कर दिया, आधा लीटर मुश्किल से दूध दे रही है, इसीलिए छोटे बर्तन में लेके आता हूं। लेकिन इस गांव में सबसे ज्यादा दूध मैं लेकर आती हूं, कम से कम 10 लीटर दूध लेकर आती हूं रोज सोनिया जी के पास, पूछ लो सोनिया जी से। अरे राबड़ी देवी जी तो आपके घर पर भैंसे भी तो कई है, 4-5 भैंसे हैं आपके घर पर, आप ज्यादा दूध तो लाओगी? अरे प्रियंका तुम भी अपनी मम्मी को लाकर दूध देती हो, तुमने भी तो एक भैंस पाल रखी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भैंस के दूध का रेट तो बहुत अच्छा लगाती होंगी। मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सबका रेट लगता है वो ही मेरी भैंस के दूध का रेट लगता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी आओ ना, उधर कहाँ पर जा रहे हो, इधर को आओ। आज तो मैं आपकी थोड़ी सी जेब ढीली करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये देखो राहुल और सोनिया जी के संतरे के जूस के ठेले पे से एक गिलास जूस पिलवा दो बस। कुछ ही दिन में राहुल ने अपने संतरे के जूस के ठेले से बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली। इसके संतरे का जूस आप एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। नहीं योगी जी, पैसे घर पर रह गए, पैसे नहीं है मेरे जेब में, कह देता हूँ। अगर तुम पिलाओ संतरे का जूस तो तुम पिला दो अपनी तरफ से। चलो कोई बात नहीं है, आज मैं ही पिला देता हूँ आपको संतरे का जूस। लेकिन ध्यान रखना, कल को संतरे का जूस आप पिलाओगे मुझे और इसी राहुल के ठेले से ही पियूंगा मैं संतरे का जूस। राहुल दो गिलास संतरे का जूस बना दो ठंडा ठंडा, जिससे कि प्यास तुरंत बुझ जाए। योगी जी ये भी तुम्हारे कोई कहने की बात है? मेरे संतरे का जूस जो भी एक बार पीता है वो बार बार ही मांगता है। अरे राहुल मैं तो तुम्हारे ठेले से संतरे का जूस पी चुका हूँ, इन मोदी जी को समझाओ, इन्होंने अभी तक तुम्हारे ठेले से संतरे का जूस नहीं पिया है। योगी जी राहुल के ठेले के पास से गुजरा तो मैं कई बार हूँ, लेकिन मैंने हाँ वाकई में इनके ठेले का जूस अभी तक नहीं पिया है। आज पी कर देख रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो रोज पीऊंगा मैं। लेकिन राहुल तुम और सोनिया जी एक साथ ठेले पर क्यों खड़े होते हो? एक जना आराम से संतरे का जूस बेच लेगा। नहीं मोदी जी आपको पता नहीं है, यहाँ पर जब भीड़ लगती है ये राहुल अकेले संतरे का जूस नहीं बेच पाता है, क्योंकि संतरों को छीलना भी पड़ता है, उसके बाद उनका जूस निकाला जाता है। मैं छिक्कल छीलती रहती हूँ संतरे का और ये जूस निकालता रहता है जब भीड़ होती है, इसीलिए मुझे ठेले पर खड़ा होना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं है सोनिया जी, बहुत अच्छा काम है। मैंने देखा है आपके ठेले पर काफी भीड़ लगी रहती है जूस पीने वालों की। अरे सोनिया जी राहुल आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो, इन मोदी जी योगी जी से तो पहले मैं खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम मुझे जूस नहीं दे रहे हो। मैं जा रही हूँ किसी और के पास जाकर जूस पी लूंगी संतरे का। अरे ममता दीदी कैसी बात कर रही हो, ये देखो आपके लिए मैंने संतरे का जूस तैयार कर दिया। अरे ममता दीदी मैं बात जरूर ग्राहकों से करता रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान काम पर रहता है, आपके लिए मैं जूस बना रहा था, ये लो एक गिलास जूस तुम पी लो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।